हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमिनेंस क्लासेस। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना प्लस वन क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा, जो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आज का लेक्चर जो हमारा है क्या है, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि डॉल्टन ने क्या एटॉमिक थ्योरी दी, जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने क्या एटॉमिक थ्योरी दी। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा, कि हमारे पास क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या हो, जगह घेरे और जिसका कुछ ना कुछ मास हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग विच हैज सम मास और विच ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, अब तक हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, काफी सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने रिव्यूज किए, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, देखा, काफी समझा। तो उनमें से एक जो साइंटिस्ट थे, क्या थे जिनका नाम था, इंडियन फिलोसोफर थे जो, जिनका नाम था महर्षि कनन। क्या था उनका नाम, महर्षि कनन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास जो मैटर है, आप उसको ब्रेक करते जाओ करते जाओ, काफी टाइम तक आप उसको ब्रेक कर पाओगे, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो ब्रेक होना बंद हो जाएगा, मतलब वो आगे टुकड़ों में टूट नहीं पाएगा। तो वो जो जो होगा, जो पार्ट होगा जो आगे टूट नहीं पाएगा, उनको उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु। मतलब क्या बोला उन्होंने ओवरऑल, कि हमारे पास मैटर को हम क्या है, कुछ हद तक तो ब्रेक कर सकते हैं, हम चाहे उसको कितना भी ब्रेक करें, ब्रेक करते जाएं करते जाएं, पर एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे वो ब्रेक होना, मतलब उसको डिवाइड करना आगे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो स्टेज होगी या वो जो हमें जो पार्टिकल मिलेगा जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु। क्या बोला उन्होंने, परमाणु। ये किसने बोला, महर्षि कनन ने। पर क्या हुआ, उसके बाद इनको इस थ्योरी के लिए या इसकी इनकी इस बात के लिए कोई ज्यादा रिव्यूज या ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं मिला, मतलब लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया, तो इनकी थ्योरी एज इट इज ऐसे ही रह गई। तो उसके बाद क्या हुआ, काफी फिलोसफर्स आए, उसके बाद एक जॉन डाल्टन जी, जो काफी टाइम से इस चीजों में रिसर्च कर रहे थे कि क्या है हमारे पास मैटर, इसको हम कैसे, इसके कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे निकाल सकते हैं, अभी उसके अंदर क्या क्या पार्टिकल्स हैं, ये चीजें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये महर्षि कनन की थ्योरी, और मतलब इस टाइप की थ्योरीज मिला के जो भी हमने अब तक पढ़ा, सारा इन्होंने रिव्यू किया, अच्छे से पढ़ा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपनी एक थ्योरी दी, अपनी थ्योरी दी, उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या बोलते हैं हम उसको, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वही हम पढ़ने वाले हैं। तो ये स्टार्टिंग था हमारा बेसिक, कि हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैसे आई, एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, गिवन बाय किन्होंने लिखी है, जॉन डाल्टन। ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी दी। तो इन्होंने कुछ बातें हमें बताई जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स, मतलब इनकी थ्योरी की जो पॉइंट्स थे, मेन मेन पॉइंट्स इन्होंने इस थ्योरी के बारे में क्या क्या बताया, तो वो पोस्टुलेट्स हम करते हैं, कि हमारे पास क्या क्या पोस्टुलेट्स इसके दिए गए थे, कि उन्होंने क्या क्या बताया हमें। ठीक है, इन्होंने हमें सबसे पहले क्या बताया, कि मैटर जो है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स विच इज नोन एज एटम, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, एटम। तो फर्स्ट इनका पोस्टुलेट क्या था, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम। ठीक है, और क्या बोला एटम के बारे में, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड और
ब्रेक भी एटम को हम आगे ना तो तोड़ सकते हैं और ना ही डिवाइड कर सकते हैं। वो स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल जिससे हमारा मैटर बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। और आगे एटम को हम आगे ना तो ब्रेक कर सकते हैं और ना ही उसके उसको आगे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था इनका फर्स्ट पोस्टुलेट। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास मान लो सेम कोई मैटर है, एक चीज ली हमने, एक सब्सटेंस है हमारा, तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट मतलब एक जो हमारा एलिमेंट है उसमें जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। मतलब मान लो हमारे पास ये क्या है, ये हमारा एक सब्सटेंस है मार्कर, ठीक है। अब इस मार्कर के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होगी। उनका साइज, उनका मास, ये सब चीजें इनकी क्या होंगी, सेम होंगी। तो क्या बोला इन्होंने, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैज सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, मास, साइज, क्या होगा उन एटम का, सेम होगा, ठीक है। ये क्या बोला इन्होंने कि हमारे पास कोई भी एक चीज है, उस चीज के जो अंदर एटम होंगे उनका मास और साइज क्या होगा, सबका सेम होगा। अब उन्होंने दूसरी बात क्या कही कि हमारे पास अगर दो चीजें हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अब हमने दो डिफरेंट एलिमेंट्स ले लिए, मतलब हमने क्या लिया, ये दो मार्कर, ये तो मार्कर ही हो गया। अब हमने क्या किया, एक डस्टर ले लिया और एक मार्कर ले लिया। अब जो इनके हमारे पास पार्टिकल, इसके पार्टिकल और इसके पार्टिकल जो होंगे क्या होंगे, उनका साइज और मास क्या होगा, अलग होगा। मतलब कि हमने अगर दो अलग अलग चीजें ले ली तो हमारे पास उसके साइज और मास में डिफरेंस आ जाएगा। तो अब यहां से हमारे पास क्या आ गया, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। वही एग्जाम्पल क्या क्या होगा, इसके मास और साइज जो होगा एटम का सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। एक और इन्होंने चीज बोली कि मेटल जो है हमारा किसी भी चीज में, मतलब कोई भी प्रोसेस कर ले, हम फिजिकल प्रोसेस कर ले या फिर केमिकल प्रोसेस कर ले, मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास फोर्थ इन्होंने क्या बोला, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल और केमिकल चेंज। कि हमारा किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज में मैटर जो है ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इसका क्या था, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो इन्होंने दी पोस्टुलेट्स दिया कि अगर हमें मैटर ऑफ, हमारे पास एटम हो डिफरेंट एलिमेंट के, उन्होंने मिलके अगर कुछ बनाना है तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे। क्या बोला उन्होंने कि एटम ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट फॉर्म अ कंपाउंड बाय मिक्सिंग विद फिक्स्ड रेशियो। मतलब कि हमने दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, दो एलिमेंट है, इन दोनों ने अगर मिलके कुछ कंपाउंड बनाना है, मतलब वाटर बनाना है, ठीक है, एच और ओ ने मिलके क्या बनाना है, वाटर बनाना है, तो अब इनकी जो होगी एक फिक्स्ड रेशियो होगी, उसी में ये कंबाइन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास फिफ्थ जो यहाँ पे आ गया, फिफ्थ को हम यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एलिमेंट्स कंबाइन इन
फॉर्म एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए जो हमारे पास दो एलिमेंट कंबाइन होंगे वो क्या होंगे, फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होंगे, मतलब वो जब कंबाइन होंगे तो क्या होंगे, उनकी रेशियो फिक्स्ड होगी। ठीक है, तो ये हमारी थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो क्या थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मेटल जो है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम, और उस एटम को ना तो हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और ना ही ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे वो क्या होंगे, सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, उनका मास, साइज, कलर सब क्या होगा, सेम होगा। और थर्ड हमारे पास क्या है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट होगा हमारे पास, मान लो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो अलग अलग एलिमेंट है, वो जो दोनों होंगे हमारे पास वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे, उनका मास, साइज वगैरह अलग होगा। ठीक है, और ये क्या है, मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में ना तो मैटर को क्रिएट किया जा सकता है, मैटर को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मैटर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर हमारे पास दो एलिमेंट ने कंबाइन होकर कंपाउंड बनाना है तो वो हमेशा क्या होंगे, फिक्स्ड रेशियो में ही प्रेजेंट होंगे, उनकी रेशियो क्या होगी, हमेशा फिक्स्ड होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोस लॉ या फिर एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। क्या है हमारा टॉपिक, एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो ने अब हमें क्या बोला, उसने क्या बोला कि अगर हम किसी भी गैसेस को, मतलब हमने क्या किया, कुछ गैसेस ले ली, उसको एक सिंपल कंटेनर में डाल दिया हमने, ठीक है, उसका टेम्परेचर प्रेशर तीनों में क्या है, सेम अप्लाई किया, उसको बंद कर दिया और तीनों में क्या हो, प्रेशर टेम्परेचर सारी कंडीशंस जो है हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, सब अप्लाई कर दिया तो उसे क्या बोला कि हमने क्या किया, तीनों गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लिया। क्या बोला, देखो हमने क्या किया, कंटेनर ले लिए, बंद कंटेनर, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या ले ली, गैसेस ले ली इक्वल वॉल्यूम में। इक्वल वॉल्यूम मतलब मान लो आपने क्या लिया, 3 मोल ले लिया इसका, और ये कौन सी गैस है, H2। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या किया, ये भी 3 मोल ले लिया, क्या ले ली, O2। एक और ले लिया हमने कंटेनर, थ्री मोल किसके ले लिए, हम यहां लेते हैं H2O2Cl2, चलो ये ले लिया हमने। ठीक है, कोई भी 3 गैसेस ले ली हमने अपनी मर्जी से। अब ये जो हमने गैसेस ली तो क्या बोला कि अब हमने इसमें क्या किया, टेम्परेचर प्रेशर सब कंडीशंस क्या है, सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस क्या है, सेम है। अब कंडीशन सेम कर दी तो एवोगैड्रो ने क्या बोला कि अब जो है हमने वॉल्यूम भी सेम ले लिया, कंडीशंस भी सेम कर दी सबकी, तो क्या होगा, हमारे पास इक्वल वॉल्यूम मतलब इक्वल गैसेस के पार्टिकल मिलेंगे। मतलब अगर मान लो इसमें हमारे पास क्या है, 6 पार्टिकल्स हैं गैस के, तो इसमें भी क्या होंगे, 6 होंगे, इसमें भी 6 होंगे, तो हमारे पास क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मिलेंगे। मतलब अगर हमने इक्वल वॉल्यूम लिया और सेम कंडीशंस अप्लाई कर दी तो हमारे पास गैसेस के क्या होंगे, इक्वल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। मान लो हमारे पास यहाँ पे कितने मिले, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 थे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 मिलेंगे और यहाँ हमें 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 मिलेंगे। तो क्या बोला, इसका मतलब क्या था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस इन सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां से समझ में आया ना कि अगर हमने इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ले लिया और हमने उसमें क्या किया, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस क्या की, सेम अप्लाई कर दी, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां से हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या आई, मतलब क्या इसने बोला, लिख लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम
of all gases under same condition of temperature and pressure has equal number of molecules. ये क्या थी एवोगैड्रो की लॉ थी, ठीक है। अब क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमें इक्वल मिल गए, पर एक चीज और ध्यान रखने की है यहाँ पे कि जो मॉलिक्यूल्स का साइज है वो जरूरी नहीं है साइज या मास क्या है सेम हो। वो हमारे पास साइज और मास हर मॉलिक्यूल का डिफरेंट हो सकता है, मतलब H2 के मॉलिक्यूल का मास और साइज अलग होगा, O2 के मॉलिक्यूल, O2 बड़ा है तो हमारे पास इसका मास और साइज अलग होगा मॉलिक्यूल्स का, और Cl2 उससे भी बड़ा है तो हमारे पास इसका साइज अलग होगा। तो मतलब क्या है, हमारे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, हर इक्वल वॉल्यूम लिया और सेम कंडीशन ली तो हमारे पास इक्वल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, पर ये जरूरी नहीं कि उसका मास और साइज भी सेम हो। तो ये क्या था, हमारा एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस था, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्या टॉपिक है हमारा, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी में हमारा टॉपिक यही है। तो अगर अब समझने वाली बात हमारे पास क्या है यहाँ पे, कि हमारे पास जो एटम है, एटम क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, उनका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो वो हम उसको ऐसे तो देख नहीं सकते नॉर्मल आईज से, हमें कोई ना कोई मतलब टेलीस्कोप हो, जो हमारे पास माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं उससे हमें देखना पड़ेगा। तो नॉर्मल जब हम उसको देख ही नहीं सकते तो हम उसका साइज या मास उसका कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या समस्या आई कि अब उसका हम मास कैसे निकाले। तो इस समस्या को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या सुझाव दिया कि आप रिलेटिव मास यूज कर लो। रिलेटिव मास मतलब एज ए किसी को, किसी भी कंपाउंड को एज ए रेफरेंस रख लो, मतलब हमें किसी भी कंपाउंड, कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट मान लो, उसका हमें मास पता हो, ठीक है, उसको हमने क्या कर लिया एज ए रेफरेंस मान लिया, मतलब कि हमारे पास ये मार्कर है, एलिमेंट नहीं है ये, पर ये एक हमारे पास मार्कर है, ठीक है। अब इसको हमने एज ए रेफरेंस मान लिया कि इसका क्या है, हमें मास और साइज भी पता है, सब पता है इसका, ठीक है। अब इससे किसी भी छोटी चीज का हमें निकालना होगा इतना इतना, तो अब हम इसके कंपैरिजन में उसको निकालेंगे, ठीक है। अब उसको नॉर्मली तो हम नहीं देख सकते, तो उसके कंपैरिजन में निकालना शुरू किया हमने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो किसी भी चीज को रेफरेंस में रख के जब हम मास निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, अब ये क्या दिक्कत आई कि अब हम रेफरेंस माने किसको, कौन सा एलिमेंट है जो एज ए गुड रेफरेंस प्रूव हो सकता है। तो सबसे पहले क्या सोचा कि हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लेते हैं, हाइड्रोजन सबसे फर्स्ट एलिमेंट है और स्टार्टिंग में है, तो चलो क्या करते हैं इसको रेफरेंस मान लेते हैं। इसको क्या किया, रेफरेंस माना, कुछ टाइम तक इसको रेफरेंस मान के रखा, ठीक है। पर वो क्या है, इसकी क्या दिक्कत आई कि वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, वो हर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो उसकी प्रॉब्लम आ गई कि हम इसको ज्यादा हर चीज के साथ, हर किसी के रेफरेंस में इसको यूज नहीं कर पा रहे थे, कि हमें तो यही चाहिए था कि वो ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट के साथ एज ए रेफरेंस यूज कर सके, ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट करे तो ही हम एज ए रेफरेंस यूज कर पाएंगे। तो हाइड्रोजन के साथ क्या दिक्कत आई कि उसकी रिएक्टिविटी कम थी, तो वो हमारे पास नहीं हो पाया, उसको हम एज ए रेफरेंस नहीं रख पाए। तो हाइड्रोजन की तो क्या हो गई, कैंसिल हो गई, टाल हो गई, मतलब कि हाइड्रोजन को हम एज ए रेफरेंस नहीं यूज कर सकते। तो उसके बाद क्या आया कि ऑक्सीजन को कर लेते हैं। ऑक्सीजन को क्यों सोचा, कि उसकी रिएक्टिविटी जो है हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। हमने मान लिया कि हाँ ऑक्सीजन तो सबके साथ लगभग रिएक्ट कर लेता है, तो चलो हम क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को एज ए रेफरेंस मान लेते हैं। अब क्या किया, ऑक्सीजन को रेफरेंस मान लिया, कुछ टाइम तक रेफरेंस मान के रखा उसको, माना, तब क्या था हमारे पास, सिर्फ ऑक्सीजन का क्या था, 16 आइसोटोप था, ऑक्सीजन 16 आइसोटोप को हम
जानते थे, साइंटिस्ट को सिर्फ ये पता था कि ऑक्सीजन का 16 आइसोटोप होता है, लेकिन आगे फर्दर डिस्कवरीज हुई तो पता चला कि ऑक्सीजन का तो 17 और 18 भी होते हैं हमारे पास, ऑक्सीजन 17 और 18 आइसोटोप भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो अब किसके रेफरेंस में माने, तो अब ये दिक्कत आ गई कि 16 माने 17 माने 18 माने कि कौन सा रेफरेंस ले हम, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि तीनों जो है ज्यादातर इक्वल अमाउंट में ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज्यादा प्रेजेंट है या कोई कम प्रेजेंट है, ये तीनों आइसोटोप क्या है ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम हो गई हमारे पास, भी ऑक्सीजन भी हम एज एन रेफरेंस यूज नहीं कर सकते, ये भी दिक्कत क्रिएट कर रहा है हमें, ठीक है। तो अब क्या किया, साइंटिस्ट की काफी सारी मीटिंग हुई, सारे केमिस्ट मिलके बैठे, उन्होंने क्या किया मीटिंग की। अब मीटिंग की तो अब हमारे पास क्या आया, उनके दिमाग में सारों ने मिलके जब डिस्कशन किया तो उनको आया कि कार्बन जो है मोस्ट स्टेबल और मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है। कार्बन का जो 12 आइसोटोप है, सिर्फ कार्बन नहीं, कार्बन का जो 12 आइसोटोप है क्या है, कार्बन 12 आइसोटोप जो है बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है और मोस्ट अबंडेंट है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट अबंडेंट। मोस्ट अबंडेंट क्यों बोला, अबंडेंट मतलब बहुत मात्रा में प्रेजेंट है हमारे पास, तो हम क्या लगा सकते हैं इसको 98.2% कुछ मिलता है हमें, मतलब इतना कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है, मतलब ओवरऑल 100% कार्बन में से हमें कार्बन 12 आइसोटोप ही है जो 98.2% मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसका आइसोटोप नहीं होना है, हमारे पास इसके आइसोटोप भी है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, पर वो क्या है बहुत रेयर मिलते हैं हमें, बहुत कम मिलते हैं, तो ये ज्यादा दिक्कत क्रिएट नहीं करते। तब से लेके अब तक क्या हुआ, हमारे पास कार्बन 12 को ही हम एज एन रेफरेंस यूज करते हैं। क्या किया हमने, कार्बन 12 को यूज एज एन रेफरेंस, किसका रेफरेंस, टू फाइंड एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि हमें, हम क्यों रेफरेंस के लिए यूज करते थे, रेफरेंस के लिए क्यों यूज करते थे, क्योंकि एटम जो है हमारे पास क्या है बहुत ही छोटा है, उसको हम नॉर्मली उसका साइज और मास नहीं कैलकुलेट कर सकते, अगर नॉर्मली नहीं कैलकुलेट कर सकते तो किसी चीज के रेफरेंस को लेना पड़ेगा, अगर रेफरेंस लिया तो हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया पर वो फेल हो गए, तो अब हमने क्या लिया, कार्बन 12 को एज एन आइसोटोप यूज किया, ठीक है। उसका क्या हुआ, हमारे पास अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। तो अब हमारे पास कार्बन 12 को यूज कर लिया, ठीक है, अब हमने इसके रिस्पेक्ट में निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आया, ये जो कार्बन 12 था वो हर चीज के उसमें, मतलब किसी भी की भी रेफरेंस में लो आप इसको, एक सेटिस्फाइड और अच्छी वैल्यू एटॉमिक मास की देने लगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहां से एक और आई AMU, यहां से हमें रेफरेंस का समझ आ गया। तो अब हमने क्या किया, एटॉमिक मास को मेजर करने की यूनिट रखी, इसको ऊपर लिख लेते हैं, नीचे थोड़ा दिखेगा नहीं, यहां तक समझ में आ गया ना, अब क्या किया, एटॉमिक मास को मेजर करने की यूनिट रखी, यूनिट हमारे पास क्या थी, AMU, AMU को अगर हम डिफाइन करें तो क्या था, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, AMU, ठीक है। और अगर ये क्या है, इसकी वैल्यू अगर हम ले 1 AMU की, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 का 1 के मास का 1/12 पार्ट जो होगा हमारा AMU की वैल्यू होगी, तो 1 AMU की वैल्यू क्या है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो यहां से हमारे पास यूनिट भी आ गई कि क्या है हमारे पास, AMU, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या था कि एटॉमिक मास एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हमारे पास एटॉमिक मास क्या है, यहां तक हमने समझ तो लिया कि हम निकाल कैसे रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, पर एटॉमिक मास है क्या, तो हम क्या कहेंगे, द अमाउंट, ऐसा अमाउंट किसी भी एलिमेंट का जो कि कार्बन 12 के रेफरेंस में निकले, ठीक है।
कार्बन 12 का जो मास है उससे कितना ज्यादा हैवियर हमारा मास होगा, वो हमारा क्या होगा, एटॉमिक मास। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट दैट हाउ मेनी टाइम्स heavier than carbon 12 isotope, the amount that how many times heavier than carbon isotope, या फिर क्या कहेंगे, the amount that how many times carbon 12 isotope से हमारा कोई भी element है उसका mass, the amount of mass कर सकते हैं हम, ठीक है, दैट हाउ मेनी टाइम्स वो कार्बन 12 आइसोटोप से कितना भारी है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है, कार्बन 12 आइसोटोप से हमारे पास जो है मास किसी भी एलिमेंट का वो कितना भारी है, वो उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है क्या, मोलिकुलर मास। यहां से हमें समझ में आ गया कि एटॉमिक मास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है मोलिकुलर मास। अगर हम हमारे पास क्या है, एटम जो है, मॉलिक्यूल जो है क्या है, एटम से मिलके बने होते हैं, मतलब हमने कोई भी मॉलिक्यूल बनाना है, हमारे पास क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल H प्लस O से मिलके बना, H2 प्लस O2 से मिलके हमारे पास क्या बना, H2O मॉलिक्यूल बना, और ऐसे ही C प्लस H2 से मिलके बना CH4, क्या बना, मीथेन गैस, ठीक है। तो क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को जब हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, ठीक है, तो सम ऑफ एटॉमिक मास प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द सम ऑफ एटॉमिक मास प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने हमारे एटॉमिक मास प्रेजेंट हैं उनका अगर हम सम कर देंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CH4, मोटर को तो हमने कई बार ले लिया, अब हम लेते हैं CH4, तो हमारे पास कार्बन का क्या होता है, 12.011 amu, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12.011 म्यू से भी डिफाइन करते हैं, एक हमारे पास यूनिट आती है म्यू से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कार्बन हो गया। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन का क्या आता है, 1.0091, इस टाइप से कुछ आता है, 98 अराउंड ही होता है इसके, ठीक है, AMU होता है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन प्लस 4H, तो कार्बन का कितना है 12.011 प्लस हाइड्रोजन का कितना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.0098, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैं देख के बता देती हूँ कितना आया हमारे पास, हमारे पास आता है 16.048 amu, इतना हमारे पास क्या आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ से समझ में आया कि हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो अब हमारे पास एक और टर्म आती है फॉर्मूला मास। एटॉमिक मास समझ गया हमने क्या हो गया, कि किसी भी एलिमेंट का कितना टाइम्स हैवियर है कार्बन 12 आइसोटोप से, कोई भी एलिमेंट जो हमारा है कार्बन 12 आइसोटोप से कितना ज्यादा हैवी है वो उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूलर मास क्या है, कि एटॉमिक मास जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका जो सम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है फॉर्मूला मास। नेक्स्ट क्या टर्म आई हमारे पास, फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास कहां था और क्या था, ये काइंड ऑफ क्या है, मॉलिक्यूलर मास ही है। बट क्या होता है कि कुछ जो हमारे पास होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे सॉलिड हम पढ़ते हैं
तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास मोलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते, हम उसको अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास क्या था, CH4 था, ठीक है, तो क्या था, C अलग एलिमेंट है और H अलग एलिमेंट है, ठीक है, उसको अलग अलग काउंट करते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ये चीजें अलग नहीं कर सकते, जैसे हमारे पास Na है, NaCl है, जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो वो क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, उसको हम नॉर्मली अलग नहीं कर सकते, तो वो NaCl की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, फॉर्मूला मास, ठीक है, काइंड ऑफ क्या है, मोलिकुलर मास ही है, बट इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मोलिकुलर मास की जगह हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला मास। तो क्या हो गया, इन एन एनी आयनिक कंपाउंड वी यूज फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मोलिकुलर मास, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, मान लो फॉर एग्जांपल हमने NaCl का ही निकालना है, होगा वही एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ Na हमारे पास कितना है, 23 होता है हमारे पास, और इसका कितना है हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ Cl, 35.5 होता है। तो अगर हमने काउंट किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 58.5 म्यू हो गया हमारा, ठीक है। तो फॉर्मूला मास समझ में आ गया किसके लिए होता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, जो क्या हो अलग अलग डिस्टिंग्विश, जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट है अलग अलग हम सेपरेट नहीं कर सकते, उन कंपाउंड्स के लिए हम मोलिकुलर मास की जगह क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला मास। तो आई होप आप सबको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो जुड़े रहिए मुझसे अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।